एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो आज की वीडियो होने वाली है एक बिगेस्ट फैशन हॉल एवर जो मैं करने वाली हूँ। मैं बहुत सारे क्लोथ्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो दिस इज़ माय फर्स्ट एवर हॉल फ्रॉम अर्बैनिक्स। मैंने आज तक कभी भी अर्बैनिक्स से कोई शॉपिंग नहीं करी है। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम एंड मैं अपना रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। सो दिस वीडियो इज ऑल्सो इन अ कोलैबोरेशन विद अर्बैनिक्स। सो येस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो बिकॉज बहुत सारे क्लोथ्स हैं और जो भी क्लोथिंग्स हैं कैसे दिख रहे थे मेरे पास उसका मैं पिक्चर डालती जाऊंगी। और अभी मैं ट्राई ऑन करके नहीं बता रही हूँ, उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना पड़ेगा सो दैट मैं वहाँ पर पिक्चर्स डालूंगी एंड रील्स डालूंगी कौन से क्लोथ्स मेरे ऊपर कैसे लग रहे हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं उधर पे। सो येस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट से। ओके, सो स्टार्टिंग विद माई फेवरेट सेक्शन दैट इज टी शर्ट्स। मैंने काफ़ी सारी टी शर्ट्स ऑर्डर करी है अर्बैनिक्स से कॉटन की एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये थी ये सब बॉयफ्रेंड फिट टी शर्ट्स हैं। मतलब मुझे वैसे भी लूज टी शर्ट्स पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, घर पे बाहर कैसे भी। सो दीज आर ऑल द बॉयफ्रेंड फिट टी शर्ट्स। विमेन क्लोथिंग में से ही है बट ये बॉयफ्रेंड फिट है, तो क्वालिटी जो है वो फैब्रिक की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो दिस इज माई फर्स्ट प्रोडक्ट। कमिंग टू माई सेकेंड प्रोडक्ट इज अगेन, मैं पहले आपको तीन टी शर्ट्स मैंने ऑर्डर करी वो तीनों दिखा देती हूँ। सो सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो मैंने ये ऑर्डर किया है, काफ़ी क्वर्की सा डिज़ाइन है, लूज टी शर्ट है, इसमें लिखा हुआ है स्माइल, जो ब्लैक एंड पिंक का कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सही लग रही है। अगेन ये वॉश होकर के आई है तो मतलब ये वॉश हो चुकी है, तो क्वालिटी वगैरह इसकी बहुत टॉप नॉच है, बहुत अच्छी लगी मुझे पहनने में, बहुत कंफर्टेबल है, कॉटन मिक्स्ड मटेरियल है तो आप कैसे भी वेदर में इसको कैरी कर सकते हैं। दिस इज माय सेकंड पीस। कमिंग टू माय थर्ड टी शर्ट इज दिस वन, बहुत ही प्यारा सा पीच एंड पिंक काइंड ऑफ अ कलर है और यहाँ पर एक कोट लिखा हुआ है। अगेन क्वर्की टी शर्ट है काफ़ी ज़्यादा, ऐसी टी शर्ट्स आपको अर्बैनिक में मोस्टली मिलेंगी क्वर्की टाइप की एंड आई एम इन द साइज स्मॉल, बट स्टिल ये स्मॉल होकर के भी स्मॉल नहीं है बिकॉज ये बॉयफ्रेंड फिट टी शर्ट है। बॉयफ्रेंड फिट यूजली लूज ही टी शर्ट्स होती हैं, इनके स्लीव्स थोड़े इस तरीके के होते हैं। ये है थर्ड टी शर्ट। आते हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर, तो सबसे पहले आते हैं, एक मैंने शर्ट मंगवाया है पर्पल कलर का और नेक्स्ट इज दिस शर्ट। तो मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा लूज फिटेड शर्ट आ जाएगा जबकि मैंने ये स्मॉल साइज में मंगवाया है, बट मुझे काफी क्वर्की सा और बहुत स्मार्ट लगा इसको। मैं इसको कैसे कैरी करने का सोच रहा हूँ, ट्यूब टॉप होता है वो एंड साथ ही साथ लूज मॉम फिट जीन्स जो होती है उस पे मैं इसको ऊपर से कैरी करूंगी तो ये बहुत स्मार्ट लगेगा एंड आप शॉर्ट किसी ड्रेस के ऊपर भी इसको कैरी कर सकते हैं। इट विल डेफिनेटली गोइंग टू लुक वेरी स्मार्ट एंड कैजुअल सा शर्ट है ये। कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका, इसके लिए मैंने ऑर्डर कर दिया था। सो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। ओके, कमिंग टू माय नेक्स्ट प्रोडक्ट, शॉर्ट ड्रेस है ये। सो पोलका प्रिंट में है एंड दिस इज अ मिनी ड्रेस, बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी लग रही थी पहनने के बाद। बहुत ही क्यूट सी ड्रेस है ये, फुल स्लीव्स है, जॉर्जेट मटेरियल है और अगर आप जॉर्जेट पहनने में कंफर्टेबल है समर्स में तो डेफिनेटली बड़ी क्यूट लगेगी ये। कमिंग टू माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस लिनन है एंड शिफॉन मिक्स्ड काइंड ऑफ अ मटेरियल है ये शर्ट है। दिस इज अ लॉन्ग शर्ट एंड बहुत पतला मटेरियल, मतलब समर्स के लिए तो ये एकदम परफेक्ट मटेरियल है। लूज शर्ट नहीं है ये बट लॉन्ग शर्ट है डेफिनेटली, तो शॉर्ट्स वगैरह पे गोवा वोवा में नहीं, आप ऐसे क्रॉप टॉप पहनो, शॉर्ट्स पहनो और उसके ऊपर ये शर्ट कैरी करो, वैसा टाइप का वाइब है इसका एंड कलर वगैरह बहुत प्यारा लगा था, लाइम येल्लो है, ऐसा चटक भटक भड़कीला वाला येल्लो नहीं है, तो समर में तो ये डेफिनेटली बहुत सुंदर लगेगा एंड आप वैसे भी नॉर्मल जीन्स वगैरह पे पहन सकते हो और इसको अलग अलग तरीके से स्टाइल करके पहन सकते हो। कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है पूरे कलेक्शन में से। एक तो उसका कलर बहुत ज्यादा सुंदर है, ऑरेंज कलर है, मुझे ऑरेंज कलर वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करता है। वन शोल्डर ड्रेस, ये कुछ इस तरीके की ड्रेस है, बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब इतनी सुंदर लग रही थी ये पहनने के बाद। पार्टी वेयर ड्रेस आप बोल सकते हो, वैसा बर्थडे ड्रेस इसको बोल सकते हो, बहुत ही प्रिटी लॉन्ग गाउन है ये एंड आई रियली लव दिस वन। ये है मेरी नेक्स्ट फेवरेट, मतलब पूरे कलेक्शन में से अब तक मैंने जितने भी ड्रेसेस देखे उसमें से सबसे ज़्यादा मुझे कोई पसंद आई है तो वो डेफिनेटली ये ड्रेस पसंद आई है बिकॉज इसका कलर। ये है मेरी नेक्स्ट ड्रेस, नेक्स्ट पीस। ये कॉटन मटेरियल है, कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल मटेरियल, मतलब मुंबई में आप बहुत आराम से पहन सकते हो। अगेन ये वन शोल्डर ड्रेस है, आउटिंग वगैरह पर करने के लिए, पहनने के जाने के लिए इट्स परफेक्ट। ज़्यादा लॉन्ग लेंथ नहीं है इसका, नी लेंथ से थोड़ी सी नीचे है, यहाँ पर बहुत अच्छे से फिट हो जाती है ये और फिर पूरा ऐसे फ्रॉक वाला मटेरियल है, तो ओवरऑल मुझे बहुत ही प्रिटी एंड क्लासी लगा, तो मैं जब अपनी जो भी मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं उनके साथ आउटिंग पे जाती हूँ तब मैं इसको डेफिनेटली कैरी करूंगी। ओके, नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये देखने के बाद जब ये आया ना तो मैं दो मिनट सोच रही थी कि शिट, मैंने ये क्या सोच के ऑर्डर किया, और पता नहीं मैंने क्या सोच के ऑर्डर किया था, कुछ डिफरेंट मुझे डेनिम में ऑर्डर करना था, तो मैंने देखिए क्या ऑर्डर किया है। दिस इज द पैंट, मतलब एक्चुअली दिस इज अ पैंट, बट
प्लाजो स्टाइल पैंट है, मतलब ये पहनने पे ऐसी लगेगी कि आपने स्कर्ट पहना हुआ है बट एक्चुअली में ये पैंट है। तो जब मैंने इसको पहना ना थोड़ी सी फिटेड टॉप के साथ तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, बट लूज मतलब इसको मुझे स्टाइल बहुत तरीके से करना पड़ेगा। बट हाँ, समर्स वगैरह में पहनने के लिए ये बहुत सही चीज़ है। मुंबई की गर्मी में वैसे आप जीन्स नहीं पहन पाते हो ना, तो उसके लिए ये बहुत सही है, मतलब कुछ अलग है, अच्छा लगा मुझे ये, इन शॉर्ट बताओ तो। ओके, नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट ड्रेस। ये जब आया मेरे पास तो मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी कि ये तुमने किसी छोटे बच्चे का ड्रेस ऑर्डर किया है क्या। तो दिस इज द ड्रेस, एक्चुअली है बहुत क्यूट है, बट डेफिनेटली मैं इसको बहुत ऐसी जगह पे पहन पाऊंगी, या तो मैं कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ आउट ऑफ इंडिया, या फिर गोवा हुआ मैं कहीं जा रही हूँ, तो मुंबई में भी आई रियली डोंट नो कि मैं अपनी सोसाइटी में इसको पहन के निकल पाऊंगी। सो दिस इज द ड्रेस, अगेन वन शोल्डर है बट ये बहुत शॉर्ट है, यहाँ से देखिए आप, ये दैट्स इट, ये यहाँ मतलब यहाँ आएगा और ये इतनी शॉर्ट है। तो दिस इज़ अ वेरी माइक्रो मिनी बोलूँगी मैं इसको, मैं मिनी भी नहीं बोलूँगी, बट इसका जो कलर है वो इतना पेपी एंड इतना सही है। सो ये है मेरा नेक्स्ट पीस। कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ब्यूटिफुल अगेन पोलका डॉट ड्रेस है ये। मेरा काफ़ी सारे जो मेरे पुराने वन पीसेस थे वो सब मैंने डोनेट कर दिए, मतलब सब निकाल दिए अपनी वार्डरोब से, तो एक अच्छा कलेक्शन आ गया, थोड़ा रिफ्रेश हो गई मेरी वार्डरोब। तो ये है, यहाँ से ये इलास्टिक लगा हुआ है और नीचे से पूरी ऐसे फ्रिल स्टाइल में फ्रॉक है, क्यूट सी है काफ़ी, मतलब नॉर्मल जैसे हम हमारी सोसाइटी के एरिया में घूमते हैं, घूमने उमने के लिए कहीं भी एग्जीबिशन वगैरह में जाने के लिए, इट्स वेरी क्यूट। नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ब्यूटिफुल ब्लू कलर का ऐसे सिल्क टाइप का पैटर्न है, इट्स अ जंप सूट, बहुत ही सही लग रहा है, कलर वगैरह बहुत अच्छा है। और मेरे पास जंप सूट वैसे रखे हुए हैं बट मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं होती जंप सूट पहनने में, क्योंकि आपको कहीं वॉशरूम जाना है तो यू ऑल नो द रियलिटी, बट स्टिल मुझे अच्छा लगा ऐसे समटाइम्स कभी पहनने वहनने के लिए, अच्छा लग रहा है ये, इन शॉर्ट ओवरऑल बोलूँ। कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ब्यूटिफुल स्कर्ट, ये है, काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे ये वाली स्कर्ट भी। मेरी जो स्कर्ट्स हैं पुरानी वो सब मुझे टाइट हो चुकी हैं, और अगेन मैंने बोला ना मैंने सब निकाल दिए अपने जो वेस्टर्न क्लोथ्स थे पुराने, तो अब ये अच्छा एक वार्डरोब रिफ्रेश भी मिल गया है एंड काफ़ी सही लग रही थी। तो इसको ना आई थिंक फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल दोनों बोलेंगे। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा एंड बहुत सही है, मतलब वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, आप 100 तरीके की चीज़ों के ऊपर पहन सकते हो। उसके बाद अब बचा है लास्ट प्रोडक्ट। ओके, ये रेड कलर का ड्रेस है, एकदम चटक वैलेंटाइन क्रिसमसी ड्रेस टाइप का लग रहा है मुझे, जो थीम बेस्ड पार्टीज होती है वहाँ पर रेड पहनना हो तो। ऐसे वन पीस गाउन है, दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट, और उसके बाद मैंने एक बैग भी मंगवाया है, दिस इज द बैग, काफ़ी अच्छा है अगर आप कॉलेज वगैरह हैं या वर्किंग वेमेन है तो आपको तो ये बहुत सही लगने वाला है। सो यहाँ पर देखिए एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है, ये बटन दिया हुआ है, टच बटन, दैट्स इट, और साथ में ये इसको आप ऐसे टाइट करके वो भी कर सकते हैं, झोला बैग भी बना सकते हैं, मतलब अच्छा ओवरऑल मुझे ये काफी स्मार्ट लगा, फिर कॉलेज गोइंग पर्सन या बॉटल रखने की जगह है, फैब्रिक बैग है ये। तो मुझे सारे प्रोडक्ट्स इनके बहुत अच्छे लगे बट मेरा जो पर्सनल फेवरेट ड्रेस था वो था ऑरेंज वाला, स्पेशल इवेंट के लिए मैं डेफिनेटली रखूंगी। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अर्बेनिक से ऑर्डर करते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं जो है स्क्रीन पे दिया हुआ है, साथ ही साथ इन सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी, सो आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।